हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिक टू फाइंड चार्ज ऑन पोलियोटॉमिक आयंस सो पोलियोटॉमिक आयन का चार्ज फाइंड करने के लिए आपको ये जो पीरियोडिक टेबल होता है इनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इनका ग्रुप नंबर याद रखना पड़ेगा जैसे बोरोन ग्रुप नंबर इज़ थ्री ए कार्बन फोर ए नाइट्रोजन फाइव ए बेरेयम टू ए स्कैंडियम थ्री बी तो ये जो ग्रुप नंबर है ये आपको पता होना चाहिए देन नेक्स्ट सेकेंड थिंग जो आपको याद रखना है अगर ग्रुप नंबर इवन और ऑड है इवन ऑड का कॉम्बिनेशन है तब चार्ज रहेगा माइनस वन देन इवन इवन का कॉम्बिनेशन रहेगा सो माइनस टू ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन रहेगा सो so चार्ज रहेगा प्लस वन ये जो ट्रिक है ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इवन ऑड वाला इवन इवन ऑड ऑड वाला कॉम्बिनेशन ये सिर्फ टू टाइप्स ऑफ एटम के लिए एप्लीकेबल रहेगा देन थ्री टाइप्स ऑफ एटम के लिए मैं आपको अलग सा ट्रिक बताऊंगी कैसे आप थ्री टाइप ऑफ एटम का चार्ज फाइंड कर सकते हो सो चलिए देखते हैं टू टाइप्स ऑफ एटम जो रहते हैं आयन्स में उनका चार्ज कैसे फाइंड करते हैं तो so, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या होता है फाइ एंड ऑक्सीजन सिक्स सो फाइव एक ऑड नंबर है सिक्स इवन नंबर है सो so, यहाँ पर ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन बना है सो so, जब ऑड और, और इवन का कॉम्बिनेशन बनता है तो चार्ज क्या रहेगा माइनस वन तो ये जो नाइट्रेट आयन है इसका चार्ज क्या रहता है माइनस वन दिस वन दिस इज नाइट्राइट जब यहाँ पर देखिए एन ओ थ्री है जब यहां से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है एन ओ टू आ जाता है इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट ये नाइट्रेट था ये हो गया नाइट्राइट तो इसका चार्ज क्या होगा इसका भी चार्ज रहेगा माइनस वन क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है नाइट्रोजन का ग्रुप होता है फाइव ऑक्सीजन सिक्स इवन ऑर्ड का कॉम्बिनेशन है तो क्या रहेगा चार्ज माइनस वन देन सी दिस इज सल्फेट आयन सो इसका चार्ज क्या रहेगा सल्फर का ग्रुप नंबर होता है सिक्स ऑक्सीजन ग्रुप नंबर सिक्स सो ये दोनों ही इवन नंबर आ गए सो इवन इवन का जब कॉम्बिनेशन रहेगा सो चार्ज रहेगा माइनस टू दिस इज सल्फेट आयन जिसके ऊपर चार्ज रहता है माइनस टू एंड दिस इज सल्फाइट आयन इसका भी चार्ज रहेगा माइनस टू देन ब्रोमेट आयन का चार्ज क्या होता है सो so, ब्रोमीन का ग्रुप नंबर होता है सेवन एंड ऑक्सीजन सिक्स सो यहाँ पर ये है odd और इवन वाला कॉम्बिनेशन तो चार्ज क्या रहेगा माइनस वन देन दिस इज ब्रोमाइट आयन इसका भी चार्ज रहेगा माइनस वन देन सी दिस वन फोस्फेट आयन एंड फोसफाइट आयन ये अब ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं ये जो ये वाला ट्रिक है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा सो so, ये जो फोस्फेट है इसका चार्ज होता है माइनस थ्री देन फोस्फाइट आयन का भी चार्ज होता है माइनस थ्री ये आपको याद रखना पड़ेगा देन नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए थ्री टाइप्स ऑफ एटम का जो चार्ज होता है वो कैसे फाइंड करेंगे अब यहाँ पर तीन तरीके के आइटम है यहाँ पर देखिए वन टू थ्री तो इस तरीके के जो आयनस होते हैं उनका चार्ज कैसे फाइंड करोगे आप so, तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड पी ओफ डेट इज़ फोस्फेट आयन है तो फोस्फेट का हमने ऑलरेडी यहाँ पर चार्ज फाइंड किया है डेट इज़ माइनस थ्री होता है फॉसफेट का चार्ज सो so हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है प्लस वन फॉस्फेट का चार्ज माइनस थ्री सो प्लस वन माइनस थ्री कितना होता है माइनस टू सो दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फेट इसका चार्ज क्या होता है माइनस टू इसे हम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोलते हैं या फिर इसे हम बोलते हैं बाई फॉस्फेट देन दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फाइट इसका भी चार्ज क्या होगा माइनस टू देन दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट सो हाइड्रोजन का चार्ज होता है प्लस वन सल्फेट का चार्ज क्या होता है यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइंड किया है सल्फेट का चार्ज होता है माइनस टू सो प्लस वन माइनस टू कितना आ जाएगा माइनस वन सो हाइड्रोजन सल्फेट का चार्ज होता है माइनस वन देन हाइड्रोजन सल्फाइड इसका भी चार्ज होगा माइनस वन सो इस तरीके से आप जो आयन्स होते हैं पोलियोटोमिक आयन्स उनका आप चार्ज बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए